शास्त्रों में धनतेरस का विशेष महत्व है। इस दिन माँ लक्ष्मी, गणेश जी, भगवान धनवंतरी जी और कुबेर जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन लोग अपनी क्षमता के अनुसार सोना, चांदी आदि की खरीदारी करते हैं, क्योंकि इस दिन सोना या कोई भी बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन देवताओं के वेद भगवान धन्वंतरी जी की भी उत्पत्ति हुई थी, इसी वजह से इस दिन धन्वंतरी जयंती भी मनाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे धनतेरस की तिथि, शुभ मुहूर्त, धनतेरस की पूजा विधि और उसके महत्व के बारे में। धर्म, अध्यात्म और दैवीय उपायों की सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े। इस साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:54 पर शुरू हो रही है, जो कि अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर 1:56 तक रहेगी। और आपको बता दें कि मां लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। ऐसे में त्रयोदशी तिथि का प्रदोष काल 10 नवंबर को शाम 5:29 से शुरू होकर रात 8:07 तक रहेगा। इसलिए प्रदोष पूजा मुहूर्त को देखकर भी इस बार धनतेरस 10 नवंबर को मनाया जाएगा, क्योंकि 11 नवंबर को त्रयोदशी तिथि में प्रदोष मुहूर्त नहीं है। धनतेरस पूजा मुहूर्त शाम 5:46 से शुरू होकर शाम 7:43 तक है। बीच में आप माता लक्ष्मी, गणेश जी, कुबेर जी और श्री यंत्र की पूजा कर सकते हैं। पूजा विधि शुरू करने से पहले साफ वस्त्र पहने और शाम को माता लक्ष्मी, गणेश जी, धन्वंतरी जी और कुबेर जी की प्रतिमा या मूर्ति को स्थापित करें, फिर दीप और धूप जलाएं। इसके बाद सभी भगवान को रोली से तिलक करें, साथ ही उनको फल और पुष्प अर्पित करें। इसके बाद भगवान कुबेर मां लक्ष्मी का पूजन करें, साथ ही अंत में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। इस दिन माता लक्ष्मी, श्री गणेश, भगवान धन्वंतरी और भगवान कुबेर की पूजा करने से जीवन में धन की संपन्नता बनी रहती है, साथ ही घर में धन वैभव और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। तो भक्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर